उत्तराखंड को अपना अगला मुख्यमंत्री मिल गया है तीरथ सिंह रावत, जो कि विधायक दल की बैठक में यह नाम तय किया गया है और विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जो कि चुने गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ललित जुड़ गए हमारे साथ सीधे। ललित, यहाँ पर तीरथ सिंह रावत जिस पर मुहर लगी है। बिल्कुल संभव, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही अपने उसमें बताया था कि हमेशा से ही बीजेपी आला कमान एक ऐसे नाम को सुझाता रहा है जिस नाम की कभी चर्चा भी नहीं होती है, और आज भी आप देख लीजिए कुछ ऐसा ही हुआ है कि तीरथ सिंह रावत जो है उनको अगला मुख्यमंत्री बना दिया गया है और मौजूदा में वो सांसद है, गढ़वाल की सीट से वो सांसद है। और जिस तरह से तीरथ सिंह रावत के नाम पर सहमति बनी है, ये निश्चित तौर पर पहाड़ की बड़ी राजनीति को साधने की कोशिश है। गढ़वाल से एक बार फिर मुख्यमंत्री दिया गया है, ताकि जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम को लेकर एक तरह से जो उनके प्रति सेंटिमेंट उभरा था कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है, उस कमी को पूरा करने के लिए तीरथ सिंह रावत को लाया गया है। ठाकुर समाज से आते हैं तीरथ सिंह रावत और गढ़वाल मंडल से आते हैं, उनकी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है संसदीय क्षेत्र जो उनका है वो पूरा गढ़वाल क्षेत्र में है, और अपने आप में देखा जाए तो संघ के भी बड़े नजदीकी माने जाते हैं तीरथ सिंह रावत, संगठन में भी काम कर चुके हैं, इससे पहले वो कई और भी चुनाव लड़ चुके हैं जी। तो संगठन की तो उन्हें बहुत अच्छी समझ है, लेकिन जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी के साथ अगले एक साल में पार्टी को चुनाव बोर्ड में तैयार करना है, उसके लिए वो कितना तैयार होते हैं या कितना तैयार कर पाते हैं। और ललित, चलिए यहाँ पर संगठन को मजबूती मिलेगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस बीच यहाँ पर शपथ ग्रहण को लेकर क्या कुछ अब कहा जा रहा है, ये शपथ ग्रहण आज होगा या कल होगा? देखिए, अब कहा ये जा रहा है कि कल जो है वो शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, और ज्यादा समय गवाए बिना, क्योंकि 12, 13, 14 में वहाँ पर कार्य समिति होनी है, जिसमें कि केंद्रीय संगठन मंत्री जो है बीएल संतोष वो वहाँ पर जा सकते हैं, और किस तरह की परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों में निश्चित तौर पर जल्दी से जल्दी सीएम बनाकर उनको कामकाज शुरू कर देंगे, ताकि वो आराम से इसके बाद, क्योंकि तीरथ सिंह रावत के लिए अभी चुनाव भी कराना पड़ेगा क्योंकि वो मौजूदा समय में सांसद हैं, तो ऐसे में अब जब वो सांसद है तो इसके अतिरिक्त उन्हें संत विधानसभा है जहाँ से अभी मौजूदा समय में जो सरजीत जीना जी है वो उनका निधन हो गया था, तो वो सीट खाली है, तो संत सीट से ही उनको चुनाव कराया जा सकता है, उनको लड़ाई। चलिए ललित, आप लगातार नजर बनाए रखिए, एक बार फिर लौटेंगे, लेकिन इस बीच यहाँ पर आपको बता दें कि तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं, नौवे मुख्यमंत्री हैं, और जो कि विधायक दल की बैठक हुई, ये बैठक खत्म हो चुकी है, इस बैठक में ये फाइनल नाम अब हो चुका है, तीरथ सिंह रावत जो कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं।